गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 10th इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर 17 सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया था, चिट फंड स्टार्ट करना था। चिट फंड क्या है आपने सुना होगा, वीसी करके सुना होगा एक वीसी है ना, उसमें क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है वीसी में, समझो 20 मेंबर्स हैं, ठीक है, सब ने 1,000 रुपये पर मंथ जमा किया। 1,000 रुपये पर मंथ जमा किया कब तक, 20 महीने तक, ठीक है। 20 मेंबर्स हैं, सब लोग 1,000 रुपये पर मंथ जमा करेंगे कब तक, 20 मंथ तक। मतलब इससे ये तो समझ में आ जाएगा कि एवरी मेंबर कितने जमा करेगा 20 महीनों में, 20,000। सब लोग 20,000 जमा करेंगे इतना तो श्योर है, ठीक है। अब क्या होगा, फर्स्ट मंथ सब ने 1,000 जमा किया, कितना हो गया 20,000। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हर एक मेंबर हर महीने, 20 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर 20,000 जमा करेगा तो फर्स्ट मंथ में कितना अमाउंट हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए हर एक मेंबर अगर ये लोग 20 महीने तक करेंगे, तो जैसे समझिए पर्सन है कोई एक्स, ये 20 महीने तक बेचारा करेगा, तो फर्स्ट मंथ एक, फिर अगले मंथ एक, ऐसे करके ये 20 जमा करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, एक महीना हुआ 20,000 जमा हुए, 20 लोग हैं ए से लेकर ए बी सी डी एफ जी, ठीक है। अब ए ने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप 20,000 मुझे दे दो। बी ने बोला एक मुझे ज़रूरत है, सी ने बोला मुझे ज़रूरत है, तो किसको दिया जाए। ये बोला गया कि एक काम करते हैं, जो सबसे कम पैसा लेने के लिए तैयार होगा, इसलिए क्योंकि ए बोलेगा मुझे 20,000 चाहिए, बी बोलेगा एक काम करो मेरे को 19 दे दो, बाकी 1,000 हम आपस में बांट लेंगे। तो सब लोग बोलेंगे ठीक है, बाकी 1,000 में से हमको भी शेयर मिलेगा। सी बोलेगा मैं 15,000 उठाता हूँ, बाकी 5,000 तुम लोग आपस में बांट लेते हैं। तो ठीक है, सी ने उठाए कितने, अब सी ने सबसे कम बिड लगाई तो 15,000 इससे मिल गया, इससे भी कोई कम वाला होता उसे मिलती, 15,000 सी ने उठाया, बचा कितना 5,000। अब उस 5,000 में क्या होगा, ये कितने लोगों में बढ़ जाएगा, 20 लोगों में। अब 20 को डिवाइड कीजिए 5,000 से, 0,0,250। एक महीने में सब लोगों ने लगाया 1,000, मिला कितना 250 एक पर्सन को, ठीक है। ये उसको भी मिलेगा जो पर्सन पैसा मिला रहा है, सॉरी जो पर्सन पैसा उठा रहा है, ठीक है, सी उठा रहा है, सी को भी 250 मिलेगा। फिर अब क्या होगा, अगली बार सी नहीं उठा पाएगा पैसा, मतलब समझने की कोशिश करना, सी मिला रहा है 20,000, और 20,000 कब मिला रहा है वो, 1,000 करके हर मंथ, लेकिन उसको फर्स्ट मंथ के एंड पे 15,000 मिल गया। एक प्रकार से देखा जाए तो उसे लोन मिल गया 15,000 का, पर उसको डिपॉजिट कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा 20,000, ठीक है। अब जमा तो ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, लेकिन सी को 15,000 मिला, अब सी उठा ही नहीं सकता, ठीक है। अब ए उठाएगा मान लीजिए, तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले 250 रुपये ए को मिला, बी को मिला, सी को मिला, डी को भी मिलेगा, ई को भी, ऐसे। तो नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, बी ने उठाया, बी ने बोला मुझे मैं फ़ंड उठाता हूँ 19,000 में, ये बोलेगा एक काम कर मैं उठाता हूँ 16,000 में, तो ए ने 16,000 में उठाया, 4,000 बचा, 4,000 फिर 20 लोगों में डिवाइड, 0,0,200 रुपये सबको मिले। इससे क्या समझ में आया, सबने मिलाया, ये मंथ एंड हुआ 250 मिले, फिर मंथ एंड हुआ सबको 200 मिलो, ठीक है, बी को भी मिला के, अब बी सॉरी ए को मिला के। अब ए क्या हुआ, इसने लगाया 20,000, कैसे लगाएगा, फर्स्ट मंथ 1,000 लगा चुका, सेकंड मंथ इसने लगाया 1,000, 2,000 अभी तक लगाया, 16,000 इसको भाई साहब को मिल चुका है एक टाइप से लोन, और बाकी सबको 250 फर्स्ट मंथ प्रॉफिट, 200 सेकेंड मंथ। लेकिन एक बात सोचना, ए लगाएगा तो पूरा 20,000 ही, मिला 16, इधर पे फर्स्ट केस में बी लगाए सॉरी सी लगाएगा तो पूरा 20,000 ही, मिला 15, ठीक है। ऐसे करके लगाएंगे सब 20-20 ही, लेकिन इनिशियल उठाएंगे तो उनको कम अमाउंट मिलेगा और बचा हुआ अमाउंट सबको प्रॉफिट। ये होता है वीसी सिस्टम, चिट फंड, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बैंक्स है, इसमें फर्स्ट है कमर्शियल बैंक। देखिए कमर्शियल बैंक, हर वो बैंक जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करे वो कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक लोन्स प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को भी, फार्मर्स को भी, ठीक है। अब गवर्नमेंट बैंक को कमर्शियल बैंक के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए गवर्नमेंट बैंक भी कमर्शियल बैंक हो सकती है, प्राइवेट बैंक भी कमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट बैंक जो कमर्शियल है SBI, ठीक है, प्राइवेट बैंक जो कमर्शियल है HDFC, एक्सिस, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट बैंक है। आर दोज टाइप ऑफ बैंक्स विच मेक अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर कमर्शियल पर्पज, दीज बैंक्स डू अदर बैंकिंग फंक्शंस एंड ऑल्सो अदर देन एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स ऑफ पीपल इन प्रोवाइडिंग
लोन्स टू देम। अब जैसे ये जो बैंक्स हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, अदर फंक्शंस भी, मतलब ये लोग इंश्योरेंस वगैरह भी करती हैं, जैसे SBI का इंश्योरेंस भी आता है, ठीक है। SBI जो है वो एक्सेप्ट भी करती है डिपॉजिट और लोन भी देती है, एज वेल एज़ वो इंश्योरेंस बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। ज़रूरी नहीं है हर एक बैंकिंग को इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व होना, वो चाहें तो इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल बैंक्स, अब इंडस्ट्रियल बैंक्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो इंडस्ट्री को लोन देने के लिए इस्टेब्लिश हो, मेन मोटिव उनका वो होता है, दूसरों को भी देते हैं पर इनका प्रायर मोटिव होता है इंडस्ट्रीज़ को लोन देना। जैसे IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक ICICI सुना होगा आपने, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ठीक है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लोन देती हैं, इनका मेन मोटिव यही है। फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, अब ये क्या है, ये वो बैंक्स हैं जिनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े होते हैं, मतलब ये बैंक क्या करेंगी, रुपया लेंगी और इसके बदले में अगर आपको कहीं जाना है तो फॉरेन एक्सचेंज आपको देंगी, ठीक है। तो ऐसा मैंडेटरी ऐसा करना चाहिए, जब भी हम बाहर जाएँ तो फॉरेन एक्सचेंज बैंक से हम एक्सचेंज करवा के जाएँ, डॉलर लेकर जाएँ या दूसरी फॉरेन करेंसी। कारण क्या होता है, अगर आप एयरपोर्ट पर एक्सचेंज कराओगे तो आपको अच्छा खासा पटका पड़ जाएगा। रीज़न ये है कि एयरपोर्ट पे बहुत कम मिलता है, समझो $1.70 का है, आप यहाँ पे एक्सचेंज कराओगे तो आपको $1.70 मिला, उसमें से ₹2 उसने अपनी फ़ीस काट ली तो 68। अब वहाँ पे जाओगे ना तो आपको $1.62 मिलेगा और फीस भी काट लेगा वो ₹2, बचा 60, ठीक है। इधर आपको 68 मिला और उधर 60, तो ये फ़र्क होता है। एयरपोर्ट पे फॉरेन करेंसी महंगी मिलती है। अब फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए RBI की परमिशन ज़रूरी होती है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए RBI से लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। RBI कंट्रोल करता है फॉरेक्स रिजर्व और RBI की परमिशन होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अगर ऑथराइज्ड पर्सन नहीं होगा वो कर रहा है तो उसके खिलाफ केस हो सकता है या उस बैंक के अगेंस्ट केस हो सकता है। थर्ड, एग्रीकल्चर बैंक्स। अब एग्रीकल्चरल बैंक्स क्या होता है, एग्रीकल्चरल बैंक्स मतलब वो बैंक्स जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए बने हैं, ठीक है। ये जो एग्रीकल्चर बैंक्स दिया है, सबसे पहले मैंने एग्रीकल्चर बैंक्स बताया, एग्रीकल्चर बैंक्स मतलब वो बैंक्स जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, सिर्फ एग्रीकल्चर को ही नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे एनिमल हस्बेंड्री होता है ना, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रियरिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। अब एग्रीकल्चर बैंक्स में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, इसमें जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक है ये किसानों को लोन देता है, ठीक है। किसानों को भी लोन दे सकता है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैटल रियरिंग के लिए भी लोन दे सकता है। मतलब एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक है ना, ये ऐसा छोटा मोटा लोन देगा, बहुत बड़ा लोन नहीं देगा, ठीक है। अब बड़े लोन के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक खोलें, ठीक है। ये 3 स्टेजेस में काम करता है, मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। ये लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स, कितने समय के लिए, 15 से 20 साल के लिए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। क्यों, लैंड रिफॉर्म के लिए, वेल्स डिग करने के लिए, ट्यूब वेल्स के लिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लेने के लिए। अब इससे क्या होता है, जैसे एक ट्रैक्टर बहुत महंगा आता है, एक दूसरा लैंड लेना है, ठीक है, या कुएं का कुएं जो लिखा है ना, डिगिंग वेल्स, कुएं को रिपेयर करवाना है या दूसरा कुआ खोदना है, तो उसमें क्या अच्छा खासा अमाउंट लगता है, तो उसके लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक से। वैसे अलग अलग तरीके से लोन नहीं मिलता, लैंड डेवलपमेंट बैंक और एग्रीकल्चर बैंक दोनों एक ही होते हैं, ये बोला गया है लैंड डेवलपमेंट बैंक, लेकिन दोनों से ही मतलब एक ही बैंक के पास जाएंगे तो दोनों के लिए हमें लोन मिल जाता है। अब जब मैं बोल रहा था 3 सेक्टर में होते हैं, तो 3 सेक्टर में कैसे होते हैं, यहाँ पर लिखा है, एट द विलेज लेवल आर द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अबव दीज सोसाइटीज़ आर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक विच प्रोवाइड लोन टू दीज सोसाइटीज ऑन डिमांड, अबव दीज देयर आर सेंट्रल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन एवरी स्टेट। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ना, अब कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उसके बाद होता है नबार्ड। मैं भी बोल रहा हूँ, सिर्फ सुनिएगा, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे समझिए मध्यांचल ग्रामीण बैंक, ये सतना में है तो ज़रूरी नहीं है महाराष्ट्र में भी हो, ठीक है। कुछ कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं वहाँ के एग्रीकल्चर के हिसाब से, कुछ कुछ बैंक्स होते हैं स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है,
एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उसको लोन चाहिए। वो गई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पास, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उसको लोन देगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को चाहिए, वो गई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास, उसको लोन दे मिल जाएगा। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लोन चाहिए, वो चली जाएगी नाबार्ड के पास, नाबार्ड से लोन दे देगा। नाबार्ड क्या है ये भी पॉइंट फाइव में पढ़ेंगे। नाबार्ड एक्चुअली क्या है, पहले आरबीआई एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड काम देखता था, उसके बाद उसने एक अलग सेगमेंट कर दिया कि एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड काम नाबार्ड देखेगा। नाबार्ड एग्रीकल्चर रूरल बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक है उसकी सबसे एपेक्स बॉडी है, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उसमें सबसे अपर बॉडी कौन सी है, नाबार्ड, ठीक है। अब क्या होता है, एक स्टेट के लिए या दो तीन स्टेट के लिए सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, ठीक है। मतलब हर जरूरी नहीं है हर स्टेट के लिए एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दो से तीन स्टेट्स के लिए हो सकता है। अब जैसे मैं बोला था कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसे लोन चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पास जाएगी। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, वो लिंक एज अ लिंक परफॉर्म करता है किसके बीच, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब रीजनल रूरल बैंक, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ दो टाइप के बैंक होते हैं ना, एक होता है शेड्यूल्ड, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड। अब शेड्यूल्ड बैंक पे दो आते हैं, एक कमर्शियल जो मैंने आपको बता दिया, एक होता है कोऑपरेटिव, ठीक है। कमर्शियल बैंक भी बहुत सारे होते हैं, कोऑपरेटिव भी बहुत सारे होते हैं। कमर्शियल बैंक के अंडर आता है रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक के अंडर आता है रीजनल रूरल बैंक। इसका कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट मोटिव होता है, उसी के अंडर आता है, इसका भी प्रॉफिट मोटिव होता है, पर ये एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री के लिए लोन प्रोवाइड कर देगा, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन प्रोवाइड कर देगा, पर ये कोऑपरेटिव बैंक्स के अंडर नहीं आता है रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक्स के अंदर आता है, ठीक है। मतलब बोल सकता है ना कोई, आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक में डिफरेंस क्या है, शेड्यूल बैंक के दो पार्ट, कमर्शियल कोऑपरेटिव। अब आरआरबी जो है ये कमर्शियल का पार्ट है, ठीक है, और कोऑपरेटिव शेड्यूल्ड का पार्ट है। कमर्शियल कोऑपरेटिव मतलब एक फादर के दो बेटे, फिर कमर्शियल का बेटा आरआरबी, ऐसा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आरआरबी जो है और कोऑपरेटिव बैंक में क्या फ़र्क है, ये आरआरबी कमर्शियल बैंक का पार्ट है, देगा ये भी एग्रीकल्चर को लोन, अगर ज़मीन खरीदनी है लोन देगा, वेल डिग करना है उसके लिए लोन देगा, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक्स जो इनका प्रॉफिट मोटिव होता नहीं है, इंटेंशन नहीं होता है प्रॉफिट मोटिव, हो जाए प्रॉफिट तो ठीक है, अदरवाइज इनका प्रॉफिट मोटिव होता नहीं है, फाइन। नबार्ड, नबार्ड मैंने आपको बताया नबार्ड क्या होता है, जैसे सबसे एपेक्स बैंक आरबीआई है, वैसे नबार्ड एपेक्स इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर क्रेडिट का। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 12 जून 1982 को, ये एपेक्स बैंक है, ठीक है। फिर केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई, आपको पता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंडर सारी बैंक्स काम करती हैं। फिर इंटरनेशनल बैंक, ये वो बैंक होता है जो मतलब इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करता है। विच हैव बीन एस्टेब्लिश टू सॉल्व द इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक हेल्प टू देयर मेंबर कंट्रीज़। क्या होता है इंटरनेशनल बैंक, जैसे मैं आपको बोलूँ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, भारत को समझो लोन चाहिए तो चला गया वर्ल्ड बैंक के पास और वर्ल्ड बैंक ने उसे लोन दिया, तो अब क्या हुआ, अमेरिका जाएगा अमेरिका को भी लोन दे देगा, अगर न्यूजीलैंड जाएगा उसे भी लोन दे देगा। मतलब वो बैंक जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक, जैसे आरबीआई सिर्फ स्पेसिफिक इंडिया के लिए है वो, ठीक है, वो नेपाल वेपाल को लोन नहीं देगा, पर इंटरनेशनल बैंक सबको लोन देगा, फाइन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, वैसे आईएमएफ भी है, उससे भी हम लोन ले सकते हैं। यहाँ पे हुआ चैप्टर ख़त्म, थैंक यू।